हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन दी ऑनलाइन क्लास ऑफ सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री, सेकेंड सेमेस्टर सिविल मैकेनिकल ब्रांच। आई एम प्रोफेसर स्वाति इंगड़े फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। हमने स्टार्ट किया है हमारा यूनिट जिसका नाम है फ्यूल एंड कंबशन। आज के इस वीडियो में हम सॉलिड फ्यूल के बारे में स्टडी करने वाले हैं और सॉलिड फ्यूल में हम कोल एग्जांपल जो है वो पढ़ेंगे। कोर्स आउटकम, यूज रिलेवेंट फ्यूल इन रिलेवेंट एप्लीकेशन। लर्निंग आउटकम, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप क्या सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज, टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल की प्रॉपर्टीज़, उसके टाइप्स और एप्लीकेशन ऑफ कोल के बारे में आप यहाँ पे सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो से। आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि बॉम कैलोरीमीटर को यूज़ करके हम किस तरह से किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, और साथ में ही हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल कि डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट फ्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड फ्यूल, जिसमें हम एग्जांपल पढ़ेंगे कोल। तो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सॉलिड फ्यूल का एग्जाम्पल है कोल। कोल की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि कोल क्या है। तो कोल जो है, इट इज़ अ फ्यूल जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है। अब ये कोल मतलब लकड़ी जलाने के बाद जो मिलता है, ये वो कोयले की बात नहीं कर रहे हम। ये जो ज़मीन खोदने के बाद खदानों से जो काले कलर का पत्थर मिलता है, जिसको हम ईंधन के स्वरूप में यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है कोल। इट इज़ अ ब्लैक कार्बोनेशियस फ्यूल। ये जो है, ये ब्लैक कलर का होता है, जैसा कि आप ये फिगर में देख रहे हैं। ये इस तरह से दिखता है, ये ब्लैक कलर का होता है और प्योरली इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। ये सिर्फ कार्बन से बना हुआ होता है, इसलिए इसको कार्बोनेशियस फ्यूल जो है वो कहा जाता है। अकरिंग इन नेचर एंड इट चीफली कंटेन्स द कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अलॉन्ग विद सम इनऑर्गेनिक मैटर। जो एकदम प्योर कार्बन होता है, प्योर कोल होता है, वो प्योरली कार्बन ही उसमें होता है। लेकिन जो कि ये कोल हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है, ज़मीन के अंदर से मिलता है, तो ज़मीन के अंदर और भी अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये कोल के साथ कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में दूसरे कार्बन के साथ दूसरे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ इनऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऐसे फ्यूल को कहा जाता है कोल, इसे कहते हैं कोल। मराठी में इसको दगड़ी कोळसा बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब ये जो कोल है, ये हमें खदानों से ज़मीन के अंदर से मिलता है। तो बहुत सालों के पहले कोई लोगों ने इस कोल को ज़मीन के अंदर गाड़ के रखा था और अब खोदने के बाद हमको मिल रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोल जो ज़मीन के अंदर से हमें मिल रहा है, ये किसी ने बहुत सालों के पहले वहाँ पे जमा करके या गाड़ के या छुपा के नहीं रखा हुआ है। ये कोल वहाँ पे अपने आप किसी केमिकल प्रोसेस की वजह से बना हुआ है। तो वही अब हम पढ़ने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कोल, कि ज़मीन के अंदर ये कोल बना कैसे। तो जिस प्रोसेस से, जिस केमिकल प्रोसेस से ज़मीन के अंदर ये कोयला बनता है, ये कोल बनता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोलिफिकेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोलिफिकेशन। तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। मिलियंस ऑफ ईयर एगो, मिलियंस मतलब बहुत 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 सालों के पहले, द प्लांट्स मैटर गॉट बरीड इन द अर्थ। जो हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे जंगल थे, बहुत सारे झाड़ थे, किसी कारणवश कोई उल्कापात हुआ होगा, कोई दूसरा ग्रह टकराया होगा, या कोई आंधी तूफान आया होगा, या किसी मतलब उल्का ने हमारे अर्थ को टक्कर दे दी होगी। तो ऐसा कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये सारे जो जंगल है, सारे जो प्लांट मटेरियल है, वो ज़मीन के अंदर बरीड किए गए, मतलब गाड़ दिए गए। देन बैक्टीरिया एक्टेड ऑन दी सेलुलोज प्रेजेंट
इन दी प्लांट. अब ये जो प्लांट मटेरियल होता है उसके अंदर एक केमिकल कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज सेल्युलोज, जिसे क्या कहते हैं सेल्युलोज. अब ज़मीन के अंदर जब ये सारे प्लांट सारे जंगल गाड़ दिए गए तो उसके बाद ये जो ज़मीन के अंदर मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं उनने उस सेल्युलोज के ऊपर बहुत सारा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस किया. With increasing temperature, pressure and limited air, the material become rich in carbon content and turn into the coal. अब ज़मीन के अंदर जब ये सारे प्लांट गाड़ दिए गए तो वहाँ पर ज़मीन का प्रेशर अलग से, then increasing temperature, जो अर्थ कोर की तरफ से टेम्परेचर आता है वो इंक्रीजिंग टेम्परेचर की तरफ से, और ज़मीन के अंदर हवा पहुंच नहीं पा रही थी तो एक एनारोबिक एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से ये जो सेलुलोज है इसमें के बाकी एलिमेंट कम होते गए और सिर्फ वहाँ पे कार्बन का अमाउंट जो है वो बढ़ते गया और वो जो कुछ भी मटेरियल है इट टर्न्स इंटू कोल, और उससे क्या बन गया कोल. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोलेफिकेशन. इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, कोलिफिकेशन. तो इस तरह से अर्थ क्रस्ट के अंदर कोल जो है वो बना है. ये फिगर से आप लोग, यहाँ एनिमेशन बताया जा रहा है, इससे आप समझ सकते हैं जैसे ये पहले जंगल था, मिलियंस ईयर एगो किसी कारणवश वो ज़मीन के अंदर गाड़ दिए गए, अब बैक्टीरिया ने उसके ऊपर एक्शन की और बैक्टीरिया ने उसके अंदर का जो कुछ भी सेलुलोज था उसके ऊपर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस किया और उसका कन्वर्शन किस में हो गया, कोल में हो गया. और वो कोल जो है वो हमें अभी जब हम खदानों से खुदाई करते हैं तो वो कोल हमें वहाँ पे मिलता है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्वालिफिकेशन कहा जाता है. आगे बढ़ेंगे हम, देन इसमें कुछ स्टेजेस होती है कोल बनने का जो प्रोसेस है. इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप कि बैक्टीरिया की एक्शन हो गई और वो जो है वो क्वालिफिकेशन का प्रोसेस हो गया. कोल जो है उसके बनने के प्रोसेस के कुछ स्टेजेस होते हैं. जैसे प्लांट जो है वो सबसे पहले कौन सा टाइप के कोल बन गया, पीट नाम के कोल में वो कन्वर्ट हुआ है. देन उसके बाद फिर से उसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस चलता रहा तो लिग्नाइट बना, फिर से उसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस चलता है तो इट बिकम्स बिटुमिनस. देन सबसे आखिरी में जो एकदम सुपेरियर क्वालिटी का कोल जो है, जो एकदम पुराना, एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, जिसको हम बोल सकते हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा केमिकल प्रोसेस हुआ है बैक्टीरिया का, उसे कहते हैं एंथ्रेसाइट कोल. तो ये सारे जो कुछ भी स्टेज हैं इसको कहा जाता है वेरियस स्टेज इन क्वालिफिकेशन प्रोसेस, वेरियस स्टेजेस इन दी क्वालिफिकेशन प्रोसेस. तो इसीलिए आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा या ऐसे कहा जाता है कि इस खदान में से ये क्वालिटी का कोयला मिल रहा है, उस खदान में से वो क्वालिटी का कोयला जो है वो मिल रहा है ना. अपने देश में अलग टाइप का कोयला मिलता है, दूसरे देश में अलग टाइप का कोयला मिलता है, क्योंकि ये जो कुछ भी प्रोसेस है ये एक साथ स्टार्ट नहीं हुई है. कहीं पर जंगल जो है वो 100 साल के पहले गाड़े गए होंगे तो उसके ऊपर 100 साल की प्रक्रिया हुई है, कहीं पर 500 साल के पहले गाड़े गए होंगे तो उसके ऊपर 500 साल की प्रक्रिया हुई है ना. तो कोल के भी अलग अलग जो कुछ भी है वो टाइप्स होते हैं. तो एंथ्रासाइट जो है इट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी कोल, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग जो है वो हुई है, और पीट जो है वो होता है लोएस्ट क्वालिटी कोल. तो जैसे जैसे टाइम जो है स्पैन बढ़ता जाता है, सबसे पहले जो कुछ भी कोल होता है प्लांट होता है, प्लांट का कन्वर्शन पीट में होता है, देन पीट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट, लिग्नाइट से बनता है बिटुमिनस, और बिटुमिनस के बाद सबसे आखिरी स्टेज जो होती है वो होती है एंथ्रासाइट. तो इसी के आधार पर अब हम स्टडी करने वाले हैं कोल के टाइप्स, कि कोल के कौन से टाइप्स होते हैं. यही 4 टाइप्स होते हैं. टाइप्स ऑफ कोल, देर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल. द फर्स्ट इज़ कॉल्ड एज पीट, पहले को क्या कहा जाता है पीट. देन सेकेंड इज़ लिग्नाइट, देन थर्ड इज़ बिटुमिनस, एंड फोर्थ इज़ एंथ्रासाइट. फोर्थ को क्या कहा जाता है, एंथ्रासाइट. पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ध्यान से समझेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर अलग अलग टाइप के MCQs जो है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीट के बारे में. तो पीट कंटेन्स 50-60% कार्बन, उसमें कार्बन का जो कंटेंट होता है वो होता है 50-60%. लो ग्रेड कोल, अभी हमने बात की कि ये एकदम कोल की शुरुआती स्टेज होती है. प्लांट के बाद सबसे पहले प्लांट का डिकम्पोजिशन होकर पीट ही बनता है, तो इसमें 50-60% ही कार्बन होता है, ये लो ग्रेड कोल होता है. इट प्रोड्यूसेस लेस हीट, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो लो होती है.
बहुत ज़्यादा कोल जलाने के बाद बहुत ही कम मात्रा में हीट एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। इट प्रोड्यूसेस मोर स्मोक एंड मोर ऐश। इसको जब हम जलाते हैं, पीट क्वालिटी के कोल को जब हम जलाते हैं तो उसमें से ज़्यादा धुआं निकलता है और ऐश मतलब जलने के बाद जो आखिरी में हमें मिलता है ना राख जिसे बोला जाता है, तो राख भी इसमें ज़्यादा बनती है। तो इसको हम लोएस्ट क्वालिटी कोल जो है वो कहते हैं। देन दूसरा जो कोल का टाइप है उसका नाम है लिग्नाइट। दूसरे टाइप का नाम क्या है? लिग्नाइट। तो लिग्नाइट कंटेंट 60-70% कार्बन। देखिए कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे बढ़ गया क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा एक्शन हुई है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हुआ है उसमें कार्बन का। तो उसमें 60-70% क्या प्रेजेंट होता है कार्बन। इट बर्न्स ईजीली, इसको मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से ये जलने लगता है। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि जैसे पीट में स्मोक बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वैसे इसमें से भी स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होता है। और इसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर प्लांट्स में जो कोल यूज़ किया जाता है इट इज़ लिग्नाइट कोल। वो कौन सा कोल होता है? लिग्नाइट। देन नेक्स्ट इज़ बिटुमिनस कोल। नेक्स्ट जो है वो कौन सा कोल होता है? बिटुमिनस। इट कंटेन 75-80% कार्बन। देखिए जैसे जैसे हम नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं कार्बन का परसेंटेज जो है वो बढ़ते जा रहा है, उसकी क्वालिटी भी सुपेरियर होती जा रही है। तो इसमें जो कार्बन का कंटेंट होता है वो होता है 75-80%। ये होता है ब्लैक कलर का और ये हार्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है, मजबूत होता है। एंड इट इज़ यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल। इसको एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ किया जाता है बहुत सारे लोगों के यहाँ पे, जिनके यहाँ पे गैस वगैरह नहीं होता है वो उन लोग सिगड़ी पे बनाते हैं खाना या जो भी उनका काम होता है। तो उसके लिए जो है जो कोयला मार्केट में मिलता है वो बिटुमिनस क्वालिटी का कोयला होता है। आप लोगों को पता होगा जो लॉन्ड्री का काम करते हैं, प्रेस जो करते हैं, तो इलेक्ट्रिक प्रेस से उतनी अच्छी प्रेस नहीं होती जितनी कोयले वाले इससे होती है। तो प्रेस में जो कोयला यूज़ किया जाता है वो कौन सा वाला होता है? बिटुमिनस कोल, है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारे डोमेस्टिक पर्पजेज़ होते हैं जो घरगुती काम होते हैं जिनके लिए कोयला लगता है। तो जो मार्केट में इन सब कामों के लिए कोयला मिलता है दैट कोल इज़ एक्चुअली द बिटुमिनस कोल, दैट इज़ 75-80% उसमें कार्बन होता है। देन एंथ्रेसाइट कोल ये सबसे अच्छा टाइप का होता है, सबसे मतलब हायर सुपेरियर क्वालिटी जिसे हम बोलेंगे। इट कंटेन्स 90-95% ऑफ कार्बन। उसमें 90-95% क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन होता है। इट इज़ ब्लैक, इसका कलर जो है वो ब्लैक होता है, लस्टरस होता है। लस्टरस मतलब चमकीला ब्लैक जिसे हम बोलते हैं, उसके ऊपर लाइट गिरती है तो वो शाइन करता है। आपको लगेगा काला कलर भी शाइन करता है क्या? यस डेफिनेटली, बिल्कुल ब्लैक कलर भी मेटालिक उसमें अगर शाइन हो तो इट इज़ कॉल्ड एज लस्टरस। ये हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। देन सुपेरियर क्वालिटी, जितना कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा उतनी उसकी क्वालिटी सुपेरियर रहेगी। इट प्रोड्यूसेस मोर हीट, जितना ज़्यादा कार्बन उतना वो अच्छे से जलेगा, उतनी वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। देन लेस स्मोक, इसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा है तो स्मोक प्रोड्यूस करने वाले कंटेंट कम है तो ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता। एंड इट इज़ यूज्ड इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन, इसको हम मेटलर्जिकल ऑपरेशन में भी यूज़ जो है वो कर सकते हैं, है ना। अब आपको लगेगा मेटलर्जिकल ऑपरेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके पहले वाले टॉपिक में मेटलर्जी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ब्लास्ट फर्नेस में जब किसी ओर का रिडक्शन किया जाता है तो उसमें एज अ चार्ज तीन चीज़ें डाली जाती है, चार्ज करके तीन चीज़ें डाली जाती है। एक ओर डाला जाता है, एक रिडक्शन करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट डाला जाता है, और एक डाला जाता है फ्लक्स किसी भी इम्प्यूरिटी को निकालने के लिए। तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हैं कोक। याद करिए, दिमाग पे जोर डालिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट मेटलर्जी के प्रोसेस में क्या यूज़ किया जाता है? कोक। एंड दैट कोक इज नथिंग बट द एंथ्रेसाइट कोल, जिसमें 90-95% क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। तो देखिए सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स, सारे यूनिट्स जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक केस में दूसरे का रेफरेंस, दूसरे केस में तीसरे का रेफरेंस जो है वो आ रहा है। तो ये हो गए हैं कोल के टाइप्स। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को सॉलिड फ्यूल में कोल एग्जाम्पल अच्छे से समझा होगा। तो सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो समराइज करने से पहले
हम कोल से रिलेटेड और दो छोटे छोटे टॉपिक जो है वो समझ लेते हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोल जो कुछ भी है उसकी क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, मतलब कौन सा कोल अच्छा है, कौन सा कोल अच्छे क्वालिटी का है, कितनी ज़्यादा उसकी गैलोरीफिक वैल्यू है, कौन से कामों के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब जानकारी पाने के लिए कोल के ऊपर कुछ एनालिसिस की जाती है, कुछ प्रोसेसेस किए जाते हैं जिनको कहा जाता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस, तो हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज मीन बाय प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस किसे कहते हैं? तो इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मॉइस्चर कंटेंट, वोलाटाइल मैटर कंटेंट, ऐश कंटेंट एंड फिक्स कार्बन कंटेंट इन दी कोल। जब भी हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस की बात करते हैं तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में कोल के ऊपर जो भी प्रोसेस की जाती है उससे हमें कौन से चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है वो होती है मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि ये कोल कहाँ से मिला है। दिस कोल इज ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के अंदर से हमें ये मिलता है, और ज़मीन के अंदर जो है वहाँ पे मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। तो हो सकता है कि कोल में भी कुछ मॉइस्चर का प्रेजेंस आ जाए, और मॉइस्चर अगर रहेगा तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू घट सकती है। तो हमको मॉइस्चर कंटेंट के बारे में प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में पता चलता है। देन उसमें कुछ अमाउंट में वोलाटाइल मैटर भी प्रेजेंट होता है। ये जो है ये सारी इम्प्यूरिटीज़ हैं जिसकी वजह से कोल की क्वालिटी के ऊपर और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर असर पड़ सकता है। देन ऐश कंटेंट, कोल में कुछ मात्रा में ऐश भी प्रेजेंट होती है तो उसका परसेंटेज भी हमें पता होना चाहिए। एंड फिक्स्ड कार्बन कंटेंट, मतलब उसमें एक्चुअल में कितना परसेंट कार्बन प्रेजेंट है जिसको हम हीट जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये चार चीज़ों के बारे में, मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल मैटर कंटेंट, ऐश कंटेंट एंड फिक्स कार्बन कंटेंट के बारे में हमें प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से जानकारी मिलती है। देन उसके बाद हम देखेंगे वन बाय वन कि किस तरह से ये चीज़ें जो है वो डिटरमाइन की जाती है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में। सबसे पहले मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट की वजह से कोल पे क्या असर होता है वो हम देखेंगे। मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूसेस द कैलोरीफिक वैल्यू, अगर किसी भी फ्यूल में मॉइस्चर रहेगा तो वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को घटाता है। जैसे कि कोल है वो अगर पूरी तरह से सूखा रहेगा तो उसको जल्दी से जल जाएगा और ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में भी मॉइस्चर है तो पहले तो उसको जलाने के लिए ही हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जलाने के बाद भी उसमें मॉइस्चर होने की वजह से वो स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी जो है वो कम प्रोड्यूस करेगा, मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। इट इंक्रीजेज द वेट ऑफ कोल एंड हेंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर कोल में मॉइस्चर रहता है तो उस कोल का वज़न भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। देन नेक्स्ट वोलेटाइल मैटर कंटेंट, वोलेटाइल मैटर कंटेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? तो वोलेटाइल मैटर एस्केप अनबर्न्ड हेंस अनडिज़ायरेबल। ये जो वोलेटाइल मैटर किसी भी कोल में प्रेजेंट होता है ये जलता ही नहीं है, है ना, और वो बिना जले वैसे ही उसमें से वेपराइज हो जाता है। तो उसके वजन के हिसाब से जो एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। द कोल विथ वोलेटाइल कंटेंट बर्न्स विथ स्मोकी फ्लेम। अगर किसी कोल में ज़्यादा मात्रा में वोलेटाइल कंटेंट होते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा स्मोक जो है, मतलब काला धुआं जो है वो निकलता है, जिसकी वजह से सफोकेशन और इरिटेशन जैसे प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। इसलिए वोलेटाइल मैटर इज ऑल्सो अनडिज़ायरेबल। देन नेक्स्ट ऐश कंटेंट, ऐश मतलब राख, राख भी प्रेजेंट होती है ना, तो राख तो वैसे भी किसी काम की नहीं होती, और अगर ऑलरेडी कोल में ऐश हो तो वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पे डेफिनेटली असर करेगा। ऐश इज यूजलेस मैटर लेफ्ट आफ्टर कंप्लीट कंबशन ऑफ कोल, द ऐश डिस्पोजल बिकम्स अ प्रॉब्लम, ऐश ऑब्स्ट्रक्ट्स एयर फ्लो टू द फ्लो। तो ऐश जो होती है वो कम्प्लीटली यूजलेस होती है ना, उसका कोई भी यूज नहीं होता है, और कोल के पूरे जलने के बाद जो है वो वैसे ही बन के रह जाती है। तो
उसको डिस्पोज करना, मतलब उसको हटाना, वो एक बहुत बड़ी ड्यूटी बन जाती है। कि अगर हमने कोई कोल लाया, किसी कोई बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमको कोल की ज़रूरत है, लेकिन हमने ऐसा कोल लाया जिसमें बहुत ज़्यादा ऐश है, तो हीट तो हमें कम प्रोड्यूस मिलेगी, उल्टा वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐश प्रोड्यूस हो जाएगी। तो उस ऐश को इधर उधर कहाँ पर लेके जाए, उसको डंप करने का प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। देन ऐश ऑब्स्ट्रक्ट द एयर फ्लो टू द फ्यूल। अगर फ्यूल में ऐश होती है तो वो जल, किसी भी फ्यूल को जलने के लिए जो एयर का कॉन्टैक्ट होना चाहिए उसके, उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसके बीच में आ जाती है, इसलिए ऐश भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन फिक्स्ड कार्बन कंटेंट, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जितना फ्यूल में ज़्यादा कार्बन होगा उतनी उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है, तो ये जो है ये डिज़ायरेबल है। इसके पहले हमने मॉइस्चर कंटेंट बोला तो वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बाद दूसरा हमने बोला वोलेटाइल मैटर का कंटेंट तो वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तीसरा हमने बोला प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में ऐश कंटेंट तो वो भी अनडिज़ायरेबल है, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिक्स कार्बन कंटेंट जो है वो ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा उतनी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहेगी। कार्बन इज़ व्हाट बर्न्स एंड मेक्स द फ्यूल। फ्यूल को फ्यूल बनाने वाला, कोल को कोल बनाने वाला, हीट प्रोड्यूस करने वाला मेन कंपोनेंट कौन सा है? कार्बन। कार्बन इंक्रीजेस द कैलोरीफिक वैल्यू, जितना ज़्यादा कार्बन उतनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, हेंस कोल मस्ट हैव वेरी लार्ज कंटेंट ऑफ द कार्बन, इसलिए एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। और इसको डिटरमाइन करने के लिए जो एनालिसिस किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। अब हम एक दूसरे टाइप का एनालिसिस देखेंगे विच इज़ कॉल्ड एज अल्टीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस, तो अल्टीमेट एनालिसिस में कौन सी चीज़ें कोल सैंपल में ढूंढी जाती है, तो यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट ढूंढे जाते हैं, जैसे कि कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। वो जो कुछ भी फ्यूल है वो ज़मीन के अंदर से, अर्थ क्रस्ट से मिला हुआ है। ज़मीन के अंदर तो और भी एलिमेंट्स होता है ना, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, और भी इंग्रेडिएंट्स होती है, तो वो भी उस कोल के साथ चिपक के या उसके अंदर घुस के आ सकती है। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए जो एनालिसिस किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज अल्टीमेट एनालिसिस, उसे अल्टीमेट एनालिसिस कहा जाता है। देन अब अल्टीमेट एनालिसिस में हम वन टाइम में ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि हाई क्वालिटी कोल में ये अल्टीमेट एनालिसिस के कंटेंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो हाई क्वालिटी कोल हम उसे ही कहेंगे जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा हो, लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो कम होना चाहिए, और सल्फर जो है वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि अगर कोल में सल्फर रहेगा तो उसकी वजह से वो सल्फर जिसके भी कांटेक्ट में आएगा उसका क्या हो जाएगा, करोजन, क्योंकि सल्फर जो है दैट इज़ अ करोजिव मटेरियल। तो अल्टीमेट एनालिसिस का सिग्निफिकेंस ये है कि सिर्फ कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए और ये जो कुछ भी सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है इसका कंटेंट जो है वो कम होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं समरी कि आज के इस वीडियो में हमने क्वालिफिकेशन प्रोसेस के किस तरह से जंगल जो है वो ज़मीन के अंदर डंप हो गए और उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो के उसमें का कोल में कन्वर्शन हुआ। देन टाइप्स ऑफ कोल में हमने चार टाइप के कोल पढ़े, दैट इज़ पीट जो सबसे लो क्वालिटी का होता है, देन उसके ऊपर होता है लिग्नाइट, देन उसके ऊपर होता है बिटुमिनस, और सबसे बाद आखिरी में होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है दैट इज़ सुपीरियर क्वालिटी का कोल होता है। साथ में हमने उनके एप्लीकेशंस भी देखे। देन हमने कोल का प्रॉक्सिमेट एनालिसिस पढ़ा जिसमें हम चार चीज़ें जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि कोल में कितना मॉइस्चर है, कोल में कितना ऐश है, कितना वोलेटाइल मैटर कंटेंट है और कितना कार्बन कंटेंट है। और अल्टीमेट एनालिसिस में हम उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फिक्स कार्बन का परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे प्रोग्राम आउटकम। तो आज के इस वीडियो में आपको सॉलिड फ्यूल में कोल के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है, ये चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है और आपके प्रोफेशनल लाइफ में और डे टू डे लाइफ में भी ये आपको काम में आने वाली है। असाइनमेंट जो हमने पढ़ा वही हमारा असाइनमेंट है, आपको क्वालिफिकेशन प्रोसेस, टाइप्स ऑफ कोल के बारे में, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस के बारे में लिखना है।
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा सेकेंड टाइप ऑफ फ्यूल, दैट इज लिक्विड फ्यूल, जिसमें हम पेट्रोलियम ऑयल के बारे में जानकारी देखेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी.